कैसे हो आप सब। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, नेहा तिवारी फूड फैशन एंड फन। तो आज हम लोग जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो मैंने सोचा आपके साथ मैं ज्योतिर्लिंग का कुछ कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर करूं। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग त्र्यंबकेश्वर के लिए निकल रहे हैं। तो फिर आगे देखते हैं और वही हम लोग वानी होगी, आरुष की मस्ती होगी। तो वीडियो को फुल देखिएगा। टेंपल के अंदर का वीडियो शायद मैं आपके साथ ना शेयर कर पाऊँ क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं होता है। तो जितना मेरे से होगा नासिक का मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया था, बच्चे थोड़ा सा परेशान कर रहे थे तो उनको कुछ खिलाना था तो हम लोगों ने बस ब्रेक लिया था। और ये लोग यहाँ पे अपनी मस्ती शुरू कर दिए। और ये देखिए यहाँ पे आरुष और वानी की मस्ती चल रही है। इन लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। ये देखिए जंपिंग हो रहा है यहाँ पे। तो बस इन लोगों की मस्ती देखिए और वीडियो को इन्जॉय करते रहिए फुल वीडियो को। ये देखिए कितना सुंदर व्यू लग रहा है। ये बस त्र्यंबकेश्वर आने वाला है और ये जो पहाड़ है बहुत सुंदर लग रहे थे तो मैंने सोचा इसकी क्लिप मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग जब भी जाइएगा ज़रूर आप लोग देखिएगा, बहुत सुंदर है प्लेस ये त्र्यंबकेश्वर और बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग एक बार जाइएगा ज़रूर। तो वीडियो को देखिए आगे। मैंने थोड़ा सा आगे कुछ मंदिर का क्लिप ऐड कर दिया है तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए बस। और यहाँ पे ये जो त्रिशूल दिख रहा है ये मंदिर, यही मेन मंदिर है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। तो जब हम लोग जाते हैं रास्ते में तो हम लोग को ये त्रिशूल दिखता है, इससे पता चल जाता है कि बस हम लोग अब आ गए हैं मंदिर में। हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं तो बहुत भीड़ दिख रही है। अभी मैं दिखाती हूँ कितनी भीड़ है। और आज हम लोग ये बैक साइड का रास्ता है उधर आए हुए हैं। ये देखिए आप लोग लाइन, त्र्यंबकेश्वर मंदिर का मेन गेट जहाँ से एंट्री होती है। अगर आप 200 रुपीज़ पे करते हो तो आपको थोड़ा सा नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा जल्दी दर्शन हो जाते हैं, बट तब भी हम लोग को यहाँ पे 1.5 घंटा लग गया था। तो ये है उधर का रास्ता जिधर से हमें कम टाइम लगा था। अगर हम लोग आप लोग पीछे वाले गेट से जाओगे बिना टिकट के 200 वाला तो आपको 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। अगर बहुत भीड़ हुई तो नॉर्मल भीड़ हुई फिर भी आपको 2-3 घंटे आराम से लग जाएंगे। तो हम लोगों ने ये ले लिया था टिकट, उससे काफ़ी आराम हो गया था क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते। तो आप लोग जब भी जाइएगा एक बार ये ज़रूर पता कर लीजिएगा, उससे आप लोग को काफ़ी आराम मिल जाएगा। आरुष आरुष से हर हर आरु हर महादेव। और यहाँ पे हम लोग रुद्राभिषेक करा रहे थे, पंडित लोग बोलते हैं तो हम लोग करा रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा क्लिप कर लिया था बट अलाउ नहीं है। और ये है पूरा मंदिर, कितना सुंदर मंदिर है। आगे की साइड हम लोग को नहीं जाने दिया था क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी बंद था और काफ़ी यहाँ पे सेफ्टी भी थी, काफ़ी सफाई हो रही थी, सैनिटाइज भी बराबर हो रहा था हर आधे घंटे पे मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जब लोग निकले थे सफाई हो रही थी और बाकी सब बंद था। तो ये देखिए छोटा सा बच्चा वहाँ हम लोग को टीका लगा रहा था तो मैंने सोचा
दिखाती हूँ कितने छोटे बच्चे हैं, कितना इन लोगों के लिए ज़रूर, इन लोगों से तो ज़रूर लगवाइए आप लोग टीके बच्चों से। गायत्री माता का मंदिर है। चलो हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, अब बहुत ज्यादा थक गए हैं कि चलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, देख के लग रहा है कि वानी थक गए ना। बाय बाय, वानी बाय कर रही है यार। चलो हम लोग थक गए हैं, दर्शन हो गए हैं, लंच भी कर लिया। तो फ्रेंड्स बस इतना ही वीडियो था, मैंने आगे पूरा एंड नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे और बच्चे भी बहुत ज़्यादा थके हुए थे, वो लोग बस गाड़ी में बैठ के सो गए थे। होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी वीडियो अच्छे मैं बनाऊँ, अच्छे आप लोगों को लगें, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।